डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करें और पिछले पार्ट में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा में क्या विभिन्न उद्घोषणाएं कर सकते हैं, तो इसका सबसे पहले सही जवाब दिया था महेंद्र सिंह जी ने, मुकेश यादव, गौतम। तो देखते हैं हम उसी प्रश्न को, राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आशंका के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं जारी कर सकता है। यदि उन्होंने पहले से ऐसी उद्घोषणा की हो या ना की हो, या ऐसी उद्घोषणा लागू हो, यानी राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या खतरे की आशंका के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं जारी कर सकते हैं। यदि उन्होंने पहले से ऐसी उद्घोषणा की हो या ना की हो, या ऐसी उद्घोषणा लागू हो, फिर भी वे विभिन्न उद्घोषणाएं जारी कर सकते हैं। और ये प्रावधान किया गया था 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा। और यही हमारा आंसर था कि 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या खतरे की आशंका के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं जारी कर सकते हैं। यदि उन्होंने पहले से ऐसी उद्घोषणा की हो या ना की हो, या ऐसी उद्घोषणा लागू हो। आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि वर्तमान में जो अनुच्छेद 352 है, तो उसके अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। और ये आपातकाल संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में लग सकता है, तथा राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा की है वो एक महीने तक जारी रहेगी। अगर उसे आगे बढ़ाना है तो एक महीने के अंदर अंदर संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित करवाना होगा उसे, फिर वो 6 महीने बढ़ जाएगी। अगर फिर आगे जारी रखना है तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर पारित करवाना होगा, यानी 6-6 महीने करके अनंतकाल तक हम लगा सकते हैं। तथा राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल उन्हें लिखित में देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है अब तक। पहली बार लगाया गया था 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ये बाह्य आक्रमण के आधार पर, चीन का आक्रमण, ये भी बाह्य आक्रमण के आधार पर, पाकिस्तान, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। यानी अब तक अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962, 1971, 1975 और 62 और 71 वाला बाह्य आपातकाल और 1975 वाला आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, ठीक है। अब यहां पर हम एक बात और कर लेते हैं कि मान लो हमने अभी बात की थी कि 44वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान हो गया है कि अगर
एक महीने से आगे आपातकाल को जारी रखना है तो संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना होगा। तो मान लो लोकसभा का विघटन हो गया हो, यानी जब उद्घोषणा कर रहे हैं लोकसभा का विघटन हो चुका है, या जो घोषणा हो गई है और घोषणा होने के एक माह से पहले पहले विघटन हो गया हो, एक माह से पहले विघटन हो गया हो, तो ऐसी सूरत में लोकसभा से तो पारित होने से रहा, यानी लोकसभा का विघटन हो चुका है या घोषणा के एक माह होने से पहले विघटन हो चुका है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा और पुनर्गठन होने के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक है उस बैठक से 30 दिन के अंदर इसे लोकसभा से अनुमोदित करवाना होगा। अनुमोदित करवाना होगा वरना यह घोषणा समाप्त हो जाएगी। लेकिन लोकसभा के पुनर्गठन के बाद लोकसभा के पास अनुमोदन के लिए रखा जा रहा है तो उससे पहले राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर रखा, यानी जब लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा आपातकाल है, उसको अनुमोदित कर सकती है, पास कर सकती है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी और एक माह के बाद आपातकाल को जारी रखना है तो संसद के दोनों सदनों से इस घोषणा को पारित करवाना होता है आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर लोकसभा का विघटन हो चुका है या घोषणा के एक माह होने से पहले हो चुका है तो ऐसी सूरत में राज्यसभा अगर उसे पास कर देती है तो लोकसभा का दोबारा पुनर्गठन होता है तो लोकसभा के पुनर्गठन होने के बाद उसकी जो पहली बैठक है उसके 30 दिन होने से पहले या 30 दिन के अंदर अंदर इस घोषणा को पारित करवाना होगा, पास करवाना होगा, और ऐसा होता है तो आपातकाल आगे बढ़ जाएगा। यानी जब लोकसभा का विघटन हो चुका है तो राज्यसभा पारित कर सकती है और ये पुनर्गठन के बाद की बात है। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल या उद्घोषणा की समाप्ति। एक बात तो यह है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को किसी भी समय घोषणा करके वापिस ले सकते हैं। ठीक है, या लोकसभा ने आपातकाल जारी रखने के प्रस्ताव को निरस्त या अस्वीकार कर दिया हो यानी राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल है उसको वापिस ले सकते हैं घोषणा करके, या लोकसभा ने आपातकाल जारी रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हो। ये ध्यान रखना है, ये 44वें संविधान संशोधन से प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, यानी लोकसभा ने आपातकाल जारी रखने के निरस्त कर दिया हो प्रस्ताव को, या लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और अगर सत्र नहीं चल रहा है
राष्ट्रपति को लिखित में सूचित करेंगे कि हम आपातकाल की जो घोषणा है या आपातकाल ऐप से समाप्त करना चाहते हैं, निरस्त करना चाहते हैं। तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को लिखित में सूचित करेंगे, ठीक है। और 14 दिन के बाद लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। आपातकाल को निरस्त करने के लिए, यानी राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके वापस ले सकते हैं, या लोकसभा आपातकाल जारी रखने के प्रस्ताव को निरस्त कर दे, स्वीकार कर दे, या लोकसभा के 1/10 सदस्य कभी भी इस आपातकाल को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो वे अध्यक्ष को, नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। लोकसभा का अधिवेशन या बैठक बुलाने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी और वहां पर साधारण बहुमत द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखना। यानी अब आपने देखा कि संसद का नियंत्रण है अनुच्छेद 352 पे या राष्ट्रीय आपातकाल पे, ठीक है। अब आपने देखा कि आपातकाल को आगे जारी रखना है, आपातकाल को आगे जारी रखना है, तो इसके लिए संसद का विशेष बहुमत समाप्त करना है तो केवल लोकसभा का साधारण बहुमत, यानी संसद का विशेष बहुमत तो तब चाहिए जब आगे जारी रखना है, समाप्त करने के लिए केवल लोकसभा का साधारण बहुमत ही चाहिए, ठीक है। और आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित और समाप्त करने के लिए केवल लोकसभा, यानी आपातकाल को आगे जारी रखना है तो संसद का विशेष बहुमत प्लस संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, समाप्त करने के लिए केवल लोकसभा का साधारण बहुमत, यानी केवल लोकसभा एक सदन ही काफी है। उम्मीद है आपको ये आज की बात समझ में आई होगी। और आज मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 के अनुसार, क्या उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। धन्यवाद।